Bismillahir Rahmanir Rahim. students. Class fifth. Subject science. Unit number four, five: Forces and Machines. And today our topic is gravitational force from page number sixty-two to sixty-three. Before starting, I will ask a few questions. Yes, a student. Do you know why an apple and orange always falls down from a tree? Why a ball comes down when thrown upward? Think and reply. Yes both these things happens because earth attracts the objects towards itself its center due to force of gravity it is the gravitational force which falls the orange and apple towards the earth and ball towards the earth after completing this topic you will learn which force helps to fall towards earth if thrown upward anything एंड वाई इज इट इजी टू कम डाउन स्टेयर्स एज कम्पेयर टू अपेयर्स सीढ़ियों से ऊपर जाने की बजाय नीचे आना क्यों ईजी होता है ये इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अ फोर्स इज नेसे टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी अ बॉडी ड्रॉप फ्राम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी इन फैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर द फोर्स with which the earth pulls the objects toward it is called the gravitational force of the earth or gravity. the gravitational force between the sun and the earth keeps the earth in uniform circular motion around the sun. the gravitational force of the earth is responsible for holding the atmosphere above the earth, for the rain falling to the earth, for flow of water in the rivers, for keeping us firmly on the earth. फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एटसेट्रा जी स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक ऐसी फोर्स है जो कि हाइट से चीजों को जमीन की तरफ नीचे लेकर आती है यानी जमीन जो है ये फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ठीक है और जमीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है चीजों को और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन और सूरज के दरमियान भी चीज़ों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखती है ठीक है और ये आ, लास्ट में इसके क्या है ये सारे फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स में क्या बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है एटमोसफेयर को अर्थ से ऊपर होल्ड किए हुए है फॉलिंग का बाइस बन रही है जमीन पे रिवर्स में वाटर फ्लो का बाइस बन रही है और हमें जमीन पे फर्मली कायम किए हुए है इसके अलावा मून की अर्थ के गिर जो रेवोल्यूशन है वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे पॉसिबल हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून काजेज टाइड्स इन द सी समंदर में जो लहरें आती हैं वो इसी की वजह से आती हैं ठीक है ठीके? और ये फुल मून और न्यू मून में हाई होती हैं ठीक है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी कैलकुलेशन आप हायर क्लासेस में जाके इसकी पढ़ेंगे ठीक है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रेट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम यूनिवर्स में यानी कायनात में हर जान, हर जिसम या हर चीज जो है दूसरी चीज को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है ठीक है और वो फोर्स जो है और ये फोर्स जो है ये इन ऑब्जेक्ट्स की मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का आपस में जो डिस्टेंस बनेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी मैसेज के साथ तो डायरेक्ट मैस ज्यादा होंगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी ठीक है लेकिन डिस्टेंस के इन्वर्स है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो फो, आ, ये फोर्स कम हो जाएगी डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी इस तरह से इन दोनों चीजों का यानी मैथ का और डिस्टेंस का रिलेशन बनता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ठीक है इसकी इक्वेशन आप हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे आगे इक्वेशन नहीं पढ़ी जस्ट आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कमजोर तरीन कुत है ये अट्रैक्टिव फोर्स है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स की तरह से ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है ठीक है इट इज अ म्यूचुअल फोर्स फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकंड बॉडी एंड द सेकंड बॉडी अट्रैक्ट्स द फर्स्ट बॉडी विद इक्वल फोर्स ठीक है ये बाहमी दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स होती है इट इज सेंट्रल फोर्स ये एक सेंट्रल फोर्स है एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज इट इज मैस एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट मैस पे भी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे भी कर रही है इट यूनिवर्स इनवर्स स्क्वेयर ला इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडीज देर इज नो ग्रेविटेशनल शील्डिंग ठीक है मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही कि एयर है गैस है सॉलिड है और लॉन्ग रेंज फोर्स है ठीक है डिक्रीज करती है डिस्टेंस के साथ अगर इसका कांस्टेंट हम देखें तो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन डेज माइनस इलेवन एन एम स्क्वेर के जी पर के जी ठीक है एक छोटा सा क्लिप भी इस फोर्स को समझने के लिए so if the forces are equal which one will accelerate more based on the newton's second law we know that the force applied is the product of mass and acceleration so the acceleration will equal force over the mass the acceleration is inversely proportional to the mass if the mass is more the acceleration will be lesser as the mass of the earth is much 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 more than the mass of the apple it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now, the question is how do we quantify this force? To understand this, we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law. Students, homework, long question, which factors of gravitational force are observed on earth? अर्थ पे क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी अर्थ पे ठीक है कौन से फैक्टर्स ऑब्जर्व किए गए हैं ये आपने पेज नंबर सिक्सटी थ्री पे इसका आंसर देखना है आपको इजीली मिल जाएगा पॉइंट्स की फॉर्म में है ठीक है इसके अलावा आपने वोकेबलरी वर्ड्स लिखने हैं ग्रेविटेशनल फ्लोटिंग एंड मैसेव और फ्राइडे तक आपने अपना यह होमवर्क मुझे सेंड करना है थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ टेक केयर स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ एट योर होम्स